हम लोग करेंगे एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स में सबसे जो पहला चीज हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है वो होता है दैट यू आर कंबाइनिंग टू सिमिलर सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब इसमें चार चीजें आपके पास, पांच, सी डी एम क्यू सी और क्यू डी। C stands for cheaper, D stands for denser। अब C और D हो गया, C, D और M तीनों हो गया वो चीज जो क्वेश्चन में तीनों चीजों के लिए आपको दिया हुआ। इट कैन बी कॉस्ट प्राइस, इट कैन बी सेलिंग, नॉट सेलिंग प्राइस एवर, इट कैन बी कॉस्ट प्राइस, इट कैन बी परसेंटेज, इट कैन बी रेशियो, इट कैन बी कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन बी परसेंटेज। लेकिन कोई भी चीज जो तीनों के लिए हो आपके पास, कि सपोजिंगली आपको बोला है कि मेरे पास एक चावल है, पहला एक चावल है जिसका कॉस्ट है 35 रुपीज, यू आर मिक्सिंग इट विथ अनादर वेराइटी ऑफ राइस हुज कॉस्ट इज 75 रुपीज एंड यू आर फॉर्मिंग अ मिक्सचर एंड यू वांट टू नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। तो भले मैं मांग रही हूँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस फॉर बोथ द राइस एंड द फाइनल रिजल्ट है, अग्री। तो ये जो प्राइसेस है ना ये CDM बन जाएगी। सपोज मैं अगर ऐसे बोलूं कि आई एम मिक्सिंग आवर 20% सोल्यूशन विथ अ 45% सोल्यूशन सो एज टू आई गेट अ 35% सोल्यूशन, तो मैं तीनों में मुझे क्या पता है, परसेंटेज पता है, तो मेरा CDM जो है वो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आई एम मिक्सिंग अ सोल्यूशन विच हैज वाटर, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 1:3 with another quantity, another commodity जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:5 so that the resulting mixture has a ratio of milk and water as 3:7. Yeah, find the resulting ratio of milk and water in the mixture, whatever that may be given or find कर। तो मैं रेशियो के बारे में बात रही हूँ तो मेरा C, D और M तीनों रेशियो। ठीक है, सो कोई भी एक ऐसा चीज जो आप तीनों के लिए पढ़ रहे हो या ढूंढ रहे हो वो CDM फिक्स्ड एकदम। ठीक है, फिर जो बच जाता है which is usually the ratio or the quantity, वो आपका QC और QD बनता है। अब अगर आप प्राइसेस CDM ले रहे हो तो जिसका प्राइस कम वो C, जिसका प्राइस ज्यादा वो D और फाइनल रिजल्ट तो कोई वो किंतु परंतु होता ही नहीं, दैट्स योर M। अगर आपके पास सपोजिंगली परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन वाला, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम वो C, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो D और जो आपको निकालने दिया ज्यादा कम कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स योर M। If you are talking about ratio, अब रेशियो में देखो जैसे मैंने आपको बोला है that I am mixing 1:3 with 2:5 मिल्क वाटर का रेशियो, कौन सा बड़ा है कैसे पता चले? दोनों को नीचे 15 कर दो। ठीक है, या तो डेसिमल में कर लो या दोनों के नीचे 15 कर लो, तो वो 5 हो गया। 15 करने के लिए उसको 5 से इंटू किया और इसको 3 से किया तो वो 6 हो गया। ये 5 और वो 6, वो बड़ा है। डेसिमल में करते हो तो 1/3.33, 2/5.4, तो 0.4 बड़ा, तो वो डेंसर हो गया और आपका 1/3 वाला चीपर हो जाएगा। फिर मिक्सचर तो M रहेगा, रेशियो ढूंढना हो या निकालना। क्या ये फिक्स हो गया, सबको समझ आया? तो पूरे क्वेश्चन में पढ़ के सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में दी हुई। ठीक है, जो चीज तीनों के लिए है ना वो आपका CDM। फिर जो बच जाए विच इज ऑलवेज ईदर द रेशियो इन विच यू आर मिक्सिंग द टू सब्सटेंस और द क्वांटिटी दैट यू आर टेकिंग फॉर द टू सब्सटेंस, वो आपका QC और QD होता है। यही समझ आ गया। सो आपका C हो गया चीपर, D डेंसर और M मिक्सचर का, जो तीनों के लिए दिया हुआ हो। जो तीनों के लिए दिया हुआ है वो ये होगा। ये या तो रेशियो ऑफ मिक्सचर या क्वांटिटी होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, अब नॉर्मल मीन का फॉर्मूला, जैसे ये चीपर इसका फ्रीक्वेंसी मान लो, ये डेंसर इसका फ्रीक्वेंसी ये मान लो, और कंबाइन करके जो मीन मिल रहा है वो है M। इसको हम लोग मीन प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? F1 x1 प्लस F2 x2 बाई F1 प्लस F2, तो वैसे मीन M C इंटू QC प्लस D इंटू QD बाई QC प्लस QD। इस फॉर्मूला से आप हर एक सम करोगे, नॉट इवन वन। अब देखना मैंने 2 ही सब्सटेंस पे लगाए, 3 पे नहीं लगा सकते। अगर 3 है तो उसे 2 में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आरएनए से। क्लियर हुआ ये चीज? अब पहला वैरायटी क्या हो सकता है? वेरी बेसिक। आपको मैंने बोल दिया एक 85 kg वैरायटी, ठीक है, जिसे आप 100 per kg, यू आर मिक्सिंग अ वैरायटी ऑफ राइस ऑफ ₹85 per kg with another variety of ₹100 per kg to get a mixture of ₹92 per kg. Isn't it obvious कि आप एक C और एक D को मिक्स कर रहे हो तो आपको रिजल्टिंग जो मिल रहा है वो बीच का ही कुछ मिलेगा, बाहर का तो नहीं मिल सकता। So C less than M less than D. अब ये भी कभी कभी आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि जो गिवन चीज है वो C है या D। यहाँ तक ठीक है? तो मेरे को तीनों के लिए क्या दिया हुआ है? प्राइस पर केजी। तो ये कौन है? CDM। कौन है? C। ये मेरा D और ये मेरा M, ठीक है। अब ऐसा पहला चीज आपसे क्या मांग सकता है कि किस रेशियो में आप मिक्स कर रहे हैं। तो पहले मैंने कौन सा प्राइस बोला? 85। तो पहले ऊपर QC होगा क्योंकि वो C है। अगर मैंने पहले 100 बोला होता वो D है तो ऊपर QD/QC होता, ये ध्यान देना। तो आपका M 92 85 into QC प्लस 100 into QD divided by QC plus QD। आप क्रिस क्रॉस करके QC/QD निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 92 QC प्लस 92 QD इक्वल्स 85 QC प्लस 100 QD। दोनों QC एक साइड कर दो तो यहाँ 7 आ गया। कैलकुलेशन से एक बार इग्नोर करते हुए यहाँ के बाद ना कुछ लोग गजब वाला एक कैलकुलेशन करते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। QC ऊपर रखना है, ये यही रहेगा। QD नीचे जा रहा है, उधर 8 वही रहेगा, 7 नीचे जा रहा है। डायरेक्ट 7/8 नहीं लिखते, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि 7 QC 8 QD है तो QC/QD 7:8, ऐसा नहीं होता। नीचे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा बोलो कि किस रेशियो में आपको मिक्स करना है, दैट इज द आंसर। या ऐसा बोला हुआ रहेगा कि मेरे पास अगर सपोजिंगली 15 क्विंटल है, ठीक है, या 30 क्विंटल है राइस का, तो आप मुझे बताओ दोनों का कितना कितना क्वांटिटी लेना। तो या तो आप पहले रेशियो निकाल लिया 8/7, और अब अगर आपको 30 क्विंटल बोला है तो C को कितना मिलेगा? 8/15 into 30, और D को कितना मिलेगा? 7/15 into 30। ये काम कर सकते हो। नहीं तो आप QC को X ले लिया, QD 30 minus X हो गया, सॉल्व करके X वैसे भी मिल जाएगा, वो भी काम कर सकते हो। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? उल्टा सेकेंड वेराइटी ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको बोला एक है 120 और एक है 180 रुपए का बनाना, ठीक है। यू आर मिक्सिंग देम इन द रेशियो 2:3। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटा है वो QC नहीं, जिस ऑर्डर में दिया है वैसे। मैंने पहले 120 बोला तो रेशियो का जो पहला नंबर है वो 120 को मिलेगा, बड़ा हो या छोटा, डज नॉट मैटर। मेरा सेकंड नंबर मैंने 180 बोला तो रेशियो का डिनोमिनेटर वाला वैल्यू 180 को मिलेगा। अगर ये 7:2 भी होता तो भी ऐसा ही होता, 7 180 को मिलता और 2 120 को मिलता और 2 180 को मिलता। जो पहले क्वांटिटी दिया है वो पहले नंबर को मिलेगा, जो दूसरा क्वांटिटी है वो दूसरे नंबर को मिलेगा। तो ये जो है वो क्या है? ये 120 आपका C है, ये आपका D है, और ये रेशियोज हो गए QC और QD। अब इससे क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे ऑब्वियस मीन प्राइस। हाँ, कोई दिक्कत। सेम रेशियो मांग लिया, हम लोग ये कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको रेशियो ढूंढने बोला है लेकिन डायरेक्टली M नहीं दिया, क्योंकि अगर रेशियो 4 है, QC और QD 4 है, तो CDM तीनों देना पड़ेगा ना आपको। मैंने C दिया, मैंने D दिया, M डायरेक्टली नहीं दिया, M आपको घुमा के दिया। हमेशा याद रखना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, CDM इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, इट विल नेवर बी सेलिंग प्राइस, कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो CDM अगर कॉस्ट प्राइस है, मैंने आपको बोल दिया कि आप एक पहले मिक्स कर रहे हो जो 161 रुपीज का एक कमोडिटी, और जो दूसरा है वो है 179 रुपीज का। अब मैं आपको रेशियो चाह रही हूँ तो मैं आपको और क्या दूंगी? रेशियो तो मैं मांग रही हूँ आपसे, तो अगर रेशियो रिक्वायर्ड है तो मैं आपको M दूंगी। नहीं दिया, पर एक इंफॉर्मेशन दिया। क्या दिया? मैंने बोला अगर आप उस मिक्सचर को बेचते हो, मतलब सेलिंग प्राइस 202.8 रुपीज में, ठीक है, तब आप सॉरी 216.2 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया, आप सबसे पहले एम यानी कॉस्ट प्राइस निकालोगे, दैट्स योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, 216.20 इंटू 100 बाय 100 प्लस 15, 115 हो जाएगा। यहाँ से आपको m मिल जाएगा। एज सुन एज यू गेट m, वो सेम फॉर्मूला में लगा के हम लोग ऊपर के जैसे QC बाई QD ढूंढ लेंगे। समझ आया सबको? नेक्स्ट, इसी में ऐसा हो सकता है, मैं आपको C दे दी कि C है आपका 161, आपका D है सपोज 179, आपका QC आपको रेशियो दिया हुआ है 5:4। 5 किसका है? क्यों? तो ये QC और QD है। अब आप क्या निकाल सकते हो? पहला क्वेश्चन निकाल लिया, आ गया। अब मैं आपको सेलिंग प्राइस भी दे रही हूँ साथ ही में। M कौन होता है? कॉस्ट प्राइस। सो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। मैं अब आपको बोल रही हूँ प्रॉफिट परसेंट ढूंढ के दो, तो वो सेम फॉर्मूला टू आपका M कॉस्ट प्राइस था, ये फॉर्मूला में डाल दो। इतना माइनस वाइनस करने वाला जो मेहनत है उसे मत करना। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इधर उधर करो, पी आ जाएगी। समझ आया? क्लियर? फिर तीन वैरायटी मिक्स कर रहे हो। मैंने बोला ना अगर तीन होता तो आप एक साथ नहीं कर सकते, एक एक करके ही करना होगा। मैंने बोला तीन वैरायटी है, ए, बी और सी। रेशियो है 4:1:1। ठीक है, बी का प्राइस दे दिया 82, सी का दे दिया 90, ए का मांगा है। अगर रिजल्टिंग मिक्सचर जो है ना उसका कॉस्ट है आपका 94। ये रिजल्टिंग मिक्सचर किसका है? तीनों मिला के का 94 दिया हुआ है, दो का नहीं दिया हुआ है। तो अब हम तीन का फॉर्मूला ऐसे तो फ्रीक्वेंसी में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? जिसका दिया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन पहले उसको यूज करो। सपोजिंगली अगर ए और सी का दिया हुआ रहता तो मैं पहले ए और सी पे लगाती। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों का सोचो। तो आप पहले क्या लिखोगे? फॉर मिक्सचर बी एंड सी। तो सी कौन? डी कौन? क्या स्मॉल सी क्या है? इतना ही बोलना था, क्या जो भयानक बोल रहे हैं। D90 1:1 हो गया QC QD। आप इसको यूज करके कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर BC निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे M नाम नहीं दे रही एक बार के लिए, या M दे दो, चलो कोई बात नहीं। ठीक, मिल गया। तो कितना आएगा? 86। एक एक है तो इक्वली होगा, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब फाइनल मिक्सचर में ए अकेला और बीसी एक जोड़ी बन के आएगा। ए का रेशियो 4, बी और सी कंबाइंड रेशियो कितना हो गया अब उसका? 2 टुकड़ा दे मिक्सड अप। ऐसे कुशल, गौतम और मेरा एक एक शेयर था, हम लोग शादी कर लिया, हम लोग का 2 शेयर हो गया, उसका 1 हो गया, वही सीन है। तो अब ए का प्राइस नहीं पता, बीसी का तो पता है 86, मिक्सचर का पता है 94। अब जो मैं पहले बोल रही थी, ये तो एम है श्योर। अब कैसे पता चले ये 86 के? तो आपका रिलेशनशिप क्या था? सी छोटा, बीच में एम, फिर डी। यहाँ 94 है, 86 छोटा है तो यहाँ हो गया, तो ऑटोमेटिकली 86 ही हो गए। और जो ढूंढना है वो कौन है फिर? डी। तो अब ये मेरा सी है, ये एम है, ये आपका QC है, ये आपका QD है। मिसिंग वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला सेम है। समझ आया सबको? शर्म आ रहा है? ठीक, अब जो रेशियो का सम था, तो हम लोग का सिंगल सिंगल वाला सारा हो गया, 3 वाला भी मैंने कर लिया। अब आएगा कॉन्सेंट्रेशन वाला और आएगा रेशियो वाला। ठीक, सपोज आप 2 सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हो, P और Q। ठीक है, मिल्क वाटर खेलेंगे। पहला में बोला है 5/3, इसका मतलब 5 टुकड़ा मिल्क का है, 3 टुकड़ा पानी का है। उधर 13/3, 13 टुकड़ा मिल्क का है, 3 टुकड़ा पानी का है। इस तरीके से किस रेशियो में मिक्स करोगे अपना? बहुत सारा रेशियो होता है ना, तो आप लोग ये भूल जाते हैं कि QC QD मांगा है, क्या दिया है, QC और QT होता है द रेशियो इन विच यू आर मिक्सिंग योर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे बोला P के अंदर का रेशियो ये है, Q के अंदर का रेशियो ये है, ये तो बोला ही नहीं कि P और Q को मैं कैसे डाल रही हूँ। तो QC और QD मिसिंग है, ठीक है। अब लाइन बोला है in which ratio should you mix the mixture so that the resulting mixture has the ratio 3:1। मतलब resulting mixture का जो मिल्क और पानी का रेशियो है वो है 3:1, नॉट m बट मिक्सचर का 3:1 है, ठीक। अब दो कमोडिटीज है, एक दूध एक पानी। मैं दो का नहीं कर सकती, मैं एक ही का कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोग एक टाइम पे एक ही चीजें कंपेयर कर सकते हो। तो बाद में तो हम शुरू नहीं हुआ। तो मिल्क 3 है, पानी सॉरी मिल्क 5 है, पानी 3 है पी में। तो टोटल कितना टुकड़ा हुआ 8। टोटल तो मैटर नहीं करता, कोई कमोडिटी तो है नहीं वो, ठीक है, पी है। तो टोटल 8 में से मिल्क का कितना हो गया 5/8। यहाँ पे मिल्क का कितना हो गया 13/16। यहाँ पे मिल्क का कितना हो गया। तो अब आपका ये एम है, उसमें से एक सी और एक डी बता पाओगे क्यों। वो 16 ही, ये 16 कर दो तो 10 हो गया। तो ये छोटू है, तो ये सी है, ये डी है। अब क्यूसी बाई क्यूडी निकालना है, क्योंकि पहले पी बोला था तो क्यूसी होगा ऊपर, फिर क्यूडी होगा नीचे। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में जैसे मैं आपको फाइनल मिक्सचर नहीं देके क्यूसी और क्यूडी दे दूंगी, तो वही सेम चीज, उसका दूध इसका दूध क्यूसी क्यूडी मिला के फाइनल दूध आएगा। तो अब वो आ गया सपोज एम 9/20, ठीक है। एम आया मिल्क और टोटल, पर मांगा क्या मिल्क और वाटर। 9/11 हो जाएगा। टोटल टुकड़ा 20 जिसमें से दूध है 9, तो पानी कितना हुआ बचा हुआ 11। तो मिल्क बाय वाटर क्या हो जाएगा 9/11। क्लियर सबको। अब वही कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं बात करूं, सपोज आपको बोला हुआ है एक 30% कॉन्सेंट्रेशन को मिक्स कर रहे हो 50% के कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि 45% कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। कौन CDM है, क्योंकि तीनों परसेंटेज है C, D और M। रेशियो निकाल सकते हो, अगर कोई एक दिया है तो दूसरा मिसिंग निकाल सकते हो। तब सपोज मैंने 30% का क्वांटिटी दे दिया तो उसका निकाल लोगे मिसिंग। अगर मैंने QD का दिया तो QC निकाल लोगे। मैंने टोटल दे दिया 20 लीटर, क्या करोगे, या तो रेशियो निकाल लो पहले और 20 को बांट दो, या x और 20 - x ले लो। तो कोई मेहनत ही नहीं उसमें। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब एक ना वो क्वेश्चन था कि दो तरीके का स्टाफ है, एक है मशीन ऑपरेटर, एक है लेबरर, ठीक है। दोनों मिला के एवरेज सैलरी है 7,500, और बोला है पर हेड फॉर मशीन ऑपरेटर 25,000 रुपया दे रहे हैं और इनको 6,000 दे रहे हैं। ये क्या है, ये हो गया CDM ना, क्योंकि तीनों का क्वांटिटीज है। तो ये डेफिनेटली डी, ये सी, ये एम। हाँ, अब आपको बोला है देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर, नीचे में लास्ट में छुपा के लिखा हुआ है। QD 3 हो गया, ये मिसिंग है, ये निकालना है। अब मैंने पूछा कितने टोटल एम्प्लॉयज है, दोनों को ऐड करके जाएगा। तो पढ़ना क्वेश्चन होश में रहेगी, ठीक। एंड लास्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ देखते हैं। एक सब्सटेंस है सपोजिंगली जिसमें P और Q जो है वो 2:3 रेशियो में, ठीक है। अ मिक्सचर हैज 2 सब्सटेंसेस P एंड Q इन द रेशियो 2:3, ठीक है। अब बोला उस मिक्सचर में से ना 10 लीटर पानी निकाल, 10 लीटर निकाला है मिक्सचर का। तो अगर मैं मिक्सचर का 10 लीटर निकालती हूँ तो उसमें से P भी निकला और Q भी निकला। तो मिक्सचर में P और Q किस हिसाब से था, 2 और 3। अब मैं उसमें से एक ग्लास छोटा शॉर्ट ग्लास का निकालू, एक बड़ा ग्लास निकालू, एक जग भर के निकालो, बाल्टी भर के निकालो, या पूरा का पूरा निकालो। P और Q तो उसी रेशियो में रहेगा, हर बूंद में P और Q का सेम रेशियो। तो मैंने अगर 10 लीटर निकाला है, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला है, उस 10 लीटर मिक्सचर में ये रिमूव हुआ है। उस 10 लीटर मिक्सचर में P का क्वांटिटी क्या होगा, 2/टोटल रेशियो 5 × 10 लीटर, तो 4 लीटर। और बचा हुआ हो जाएगा क्यू 10 - 4 6 लीटर। देख ले एक बार कंफर्म कर लेना, 4/6 2/3 होता है ठीक। हाँ मतलब जो भी पी का ओरिजिनल क्वांटिटी था, क्योंकि आपने क्या करा ये पी था ये क्यू था, इनको मिक्स करा, किस क्वांटिटी में मिक्स करा नो, ठीक है कर दिया, मिक्सचर आ गया। उसमें पी और क्यू का रेशियो 2/3 है, उसका जो भी क्वांटिटी है डेफिनेटली 10 से ज्यादा है। उसमें से मैंने 10 लीटर निकाला, जो मैंने निकाला उसमें पी भी निकला उसमें क्यू भी निकला। कितना पी निकला? 4 लीटर निकला। कितना क्यू निकला? 6 लीटर निकला। दैट मीन्स वट एवर ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ पी यू मिक्सड, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 लीटर लेस। वट एवर ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ क्यू यू मिक्सड, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 6 लीटर लेस। हाँ अब हम लोगों को क्या बोला, अब व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ पी? नहीं, पी का हो जाएगा 2x और क्यू का 3x। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, देन लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। तो पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 2:3, वैसे उसी रेशियो में मिक्स हुआ है तो सपोज 2x 3x हो सकता है। आप इसको 3 से इंटू कर रहे हो तो 6 और 9 लीटर मिक्स किया, हो सकता है 20 और 30 लीटर मिक्स किया, हो सकता है 200 और 300 मिक्स किया, कुछ भी हो सकता है ठीक। तो ये है ओरिजिनल क्वांटिटीज, नॉट रेशियोज, क्वांटिटीज ठीक। अब पी में से हुआ क्या, टोटल 2x था ओरिजिनली, कितना लीटर फेंक दिया? निकल गया 4। क्यू में से था कितना 3x, कितना निकल गया? 6। यहाँ तक ठीक है। अब बोला कि ये जो 10 लीटर मिक्सचर निकाला उसके वजह से वहां पे तो कमती हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना आप 10 लीटर प्योर पी डाल दिया, खाली पी डाला, मेरे पास क्यू खत्म हो गया। तो मैंने मिक्सचर निकाला, अब उसमें पी को ऐड कर दिया। अब जैसे ही हरकत करोगे कॉन्सेंट्रेशन का तो खत्म हो गया, क्या वो अभी भी 2:3 में होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, पी तो बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। हाँ क्यू एक तो कम हुआ और पी बढ़ भी गया, तो बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा आपका रेशियो में, तो अग्री। तो अब ओरिजिनली पी का क्वांटिटी था 2x, क्यू का क्वांटिटी 3x, बीच में 10 लीटर मिक्सचर निकाला बोल के थोड़ा पी भी निकला थोड़ा क्यू भी निकला। पी कितना निकला रेशियो के हिसाब से? 4 लीटर। क्यू कितना निकला? 6। तो पी का ओरिजिनल क्वांटिटी 2x में से 4 जा चुका है, क्यू का ओरिजिनल क्वांटिटी 3x में से 6 जा चुका है। अब मैंने खाली पी ऐड करा है, तो पी वाले में वापस से 10 ऐड कर दो तो 2x + 6 हो गया। ये क्या है? फाइनल क्वांटिटी ऑफ पी एंड क्यू इन द मिक्सचर सो फॉर्म एट द एंड ठीक। तो अब मुझे क्या ढूंढने बोलेंगे अगले? एक्स ढूंढने के लिए क्या देंगे? एक कंडीशन, एक वेरिएबल है ना, एक ही कंडीशन देंगे। अब बोला ये सारा कार्यक्रम करने के बाद जो मिक्सचर है ना उसमें पी और क्यू का रेशियो हो गया 7/5, मतलब 2x + 6 ÷ 3x - 6 ये हो गया 7/5। क्रिस क्रॉस करके एक्स निकाल लेंगे हम। समझ आया? क्लियर सबको? ये सबसे टफ सम है इसका, लेकिन आई गेस अब तक तो रट ही लिया होगा आपको कायदा बनता है। एंड डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज सच आई डोंट थिंक ये है सिलेबस में मेरे हिसाब से, बट लेट्स नॉट डिस्कस। एक्स इज एन ओरिजिनल प्योर लिक्विड ठीक है। अब मेरे पास पूरा सपोज 20 लीटर प्योर दूध एकदम नो मिलावट, उसमें से मैंने 4 लीटर दूध निकाला तो उसका क्वांटिटी कम हो गया। क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए 4 लीटर पानी डालते, डाइल्यूट करें, तो अब वापस मिक्सचर का क्वांटिटी तो 20 है, लेकिन क्या दूध और पानी का रेशियो सेम है? बदल गया। अब दूध उसमें 16 ही है और पानी 4 लीटर हो गया। हाँ ठीक, फिर से उसमें से 4 लीटर निकाला, अब तो मिक्सचर निकला ना, अब तो प्योर दूध नहीं निकला, जो भी निकला उसमें फिर से 4 लीटर पानी डाल और डाइल्यूट हो गया, दूध और कम पानी और ज्यादा, ये करते रहे। दिस इज रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन में और शुरुआत प्योर लिक्विड से होता है विच इज योर एक्स। हर बार जो आप क्वांटिटी निकालते हो वो सेम होता है, जैसे मैं हर बार 4-4 लीटर करके निकाल रहा हूँ वो सेम निकलता है, इसीलिए रिपीटेड बोल रहे हैं। और एन होगा कितनी बारी रिपीट कर रहे, तो वाई हो गया तो क्वांटिटी टेकन अप ईच टाइम, हर बार कितना कितना करके निकाल रहे हो। एंड एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग अ थिंग। अब कई बार क्या बोलते हैं, एक मिक्सचर था 20 लीटर, 4 लीटर करके निकाला ठीक है, फिर ये हरकत 3 बार और किया, टोटल कितनी बार किया? 4 बार। तो लाइन पढ़ना, बोला है दिस टाइम दिस operation was done for 3 times, तो n3 it was done for 3 more times than 4. ठीक है, तो n आ गया. अब क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का क्वांटिटी तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बदला है, वो तो एक्स का एक्स ही है, 20 लीटर का 20 लीटर ही है. क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड वो बदल गया ना, धीरे धीरे पतला ही हुए जा रहा है. लेफ्ट आफ्टर n टाइम्स, ये जो कार्यक्रम करा उसके बाद प्योर लिक्विड, अगर मैं सपोज उबालते जाओगे तो पानी तो इवापोरेट होते जाएगा, तो प्योर लिक्विड बचेगा. कितना बचेगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. वो होता है x 1 minus y by x to the power n. क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट इन द मिक्सचर इज x 1 minus y by x to the power n. अब मैंने अगर पूछा आपको कि सपोजिंगली ये तो प्योर लिक्विड लेफ्ट है, वाटर कितना है, वाटर या अगर मिक्सिंग अल्कोहल है कि अल्कोहल डाल रहे हो कोई एसिड को पतला करने के लिए तो अल्कोहल कम आ गई, पानी कितना बचा, टोटल x है. अभी भी तो मिक्सचर का क्वांटिटी x ही है, उसमें से प्योर लिक्विड कितना है, ये माइनस कर दिया, जो भी बचा वो कौन है, पानी से ही तो क्वांटिटी भरा हुआ है. हाँ, अब इसमें ना क्या होता है, जैसे आपको x, y और n 3 चीज है, अगर तीनों दिया है तो पूछेंगे कि कितना बचा बताओ, फॉर्मूला में डाल दिया. दूसरा आपको सपोजिंगली x और n दे दिया, y नहीं दिया, उस टाइम पे आपको एक एडेड ऑन कंडीशन देगा. सपोजिंगली एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि 20 लीटर प्योर लिक्विड था, उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल के हम लोग पानी ऐड करा, और ये काम हम लोग 3 बार ही करा. ठीक है, तो ये x हो गया, ये n हो गया, y अपना मिसिंग है. ठीक है, अब बोला कि अब जो 3 बार करने के बाद मिक्सचर बचा ना, उसमें दूध और पानी का रेशियो जो है वो 3:4 हो गया. तो दूध का आपका मिल्क का रेशियो 3, वाटर का रेशियो 4 है, तो मिल्क मतलब कितना हो गया, x 1 minus y by x to the power n, और पानी का x minus x 1 minus y by x power n, ये 3/4 है. भयानक है ये तो. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्क और पानी का नहीं कंपेयर करते, हम लोग मिल्क और टोटल कंपेयर करेंगे. तो मिल्क का 3 है, पानी का 4 टुकड़ा था, तो टोटल टुकड़ा हुआ, तो मिल्क बाय टोटल का 3:7 हो गया. फिर मिल्क कितना है, x 1 minus y by x whole power n. टोटल तो अभी भी x ही है, वो तो कभी नहीं बदला जीवन में. ये आपका चलो 3/7 तो हो नहीं सकता, जो भी होगा आपको उसका कैलकुलेशन करना आता होगा. x गया और n3 था, 1 minus y by 20 whole power 3 equals to 3/7. अब यहाँ पे ना यूजुअली वैसे ही नंबर्स होते हैं, जैसे 27/64 दे दिया या 27/125 दे दिया, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो. तो 3 3 पावर का काट दोगे, फिर y आ जाएगा. समझ आया, कोई दिक्कत, खत्म हो गया एलिगेशन.